जय जीवदानी। गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना में, मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी श्रोताओं को देती हूँ तहे दिल से इस प्यारी सी सुबह की अनेकों अनेकों बधाइयाँ। देखिए ना कितना अच्छा सूर्य उदय हुए हैं, और इस सूर्य को आगोश में लेने के लिए बाहें फैलानी चाहिए आपको अपनी बालकनी में या खुले ग्राउंड में जाके, और ये वाला मंत्र बोलिए ताकि आपको विश्व की सभी अच्छाइयां पास में आएं और विश्व की सभी बुराइयां आपसे दूर हों, ऐसी प्रार्थना कीजिए। ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव। आज मेरे मन में एक ख्याल आया और मैं मेडिटेशन कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि कठिनाइयाँ रोज़ आते हैं, है ना, और हमको जो काम करने होते हैं वो हमारे रुक जाते हैं क्योंकि हम एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं, आज ये कठिनाई है कल वो कठिनाई है, और फिर हमारे काम ख़त्म होते ही नहीं, और एक दिन पता चलता है कि समय हाथ से निकल गया। समय को हाथ से जाने ना दीजिए, क्योंकि कठिनाई अपनी जगह चलती ही रहेगी। ये ना सोचिएगा कि किसी ज्योतिष के पास जाकर एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर कोई कठिनाई ख़त्म हो जाती है, एक कठिनाई ख़त्म होती है तो दूसरी कठिनाई शुरू हो जाती है, और इन सब कठिनाइयों का ही नाम है जीवन, और जीवन को जूझ के आगे बढ़ना होता है खुश रहते हुए। ये कला है कि आपके ऊपर बहुत सारे संकट हैं और आप हंसते हैं, खेलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, आपको खुश कैसे रहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगी कि ये सब चीज़ें हैं, ऐसी कोई उपलब्धियाँ हैं जीवन में दी हुई हमको जिनकी वजह से आप खुश रह सकते हैं वो सब अपना के। लेकिन फ़िलहाल तो इस बात को समझिए कि कठिनाई अपनी जगह है और आपके काम आपको जो करना है वो अपनी जगह है, तो आते रहने दीजिए कठिनाइयों को, लेकिन अपने काम के लिए भी समय निकालिए। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय एंड टेक केयर, गुड डे।